मुझे विश्वास है कि जगत प्रकाश जी के नेतृत्व में पार्टी अपने मूलभूत आदर्शों और विचारों को लेकर के आगे तो बढ़ने ही वाली है, लेकिन देश में भारतीय जनता पार्टी जैसे दल को जब हम विपक्ष में थे तब जो चुनौतियां थी उससे ज्यादा चुनौतियों का सामना एक दल के रूप में आने वाले दिनों में हमें करना होगा। चुनावी मैदान को मैं कोई बड़ी चुनौती नहीं मानता कभी, वो तो आते हैं जाते हैं चलते हैं। देश की आशा आकांक्षाओं के अनुरूप कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को तैयार करना, उनको समर्पित भाव से आगे बढ़ाना और उन सबके सामूहिक पुरुषार्थ में देश को नई ऊंचाई पर ले जाना, ये हमारा संकल्प है और हम इसलिए राजनीति में आए हैं। हम जिन आदर्शों को लेकर के चले हैं, कुछ लोगों को उन आदर्शों के प्रति ही इतराज है। हमारी मुसीबतें इसलिए नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं, हमारी मुसीबतें इसलिए है कि देश की जनता हम पर आशीर्वाद बरसा रही है। और इसलिए चुनावी राजनीति में जिनको जनता ने नकार दिया है, जिनकी बात अब देश स्वीकार करने को तैयार नहीं है, उनके लिए बहुत कम शस्त्र बचे हैं और उसमें से एक है भ्रम फैलाओ, झूठ फैलाओ, बार बार ऐसी बातें घड़ो, हर चीज को एक रूप दे दो, रंग दे दो और अपनी जो इकोसिस्टम है उससे उसको हवा दे दो। ये लगातार हम देख रहे हैं। ऐसे समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हम मान के चले हमें माध्यमों से मदद मिलने की संभावनाएं बहुत कम है और न ही माध्यमों की मदद से ही जीने की हमारी आदत है। हम लोगों का लालन पालन भी जनता के साथ सीधे संवाद से ही बना हुआ है। आज हम जहां भी पहुंचे हैं वो एक एक भाजपा के कार्यकर्ता का, एक एक सामान्य परिवार के साथ का जो संपर्क है, अटूट नाता है, विश्वास का माहौल है, वही हमारी शक्ति है। और इसलिए उसी शक्ति ने हमें देश में पहली बार बिन कांग्रेसी पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया, देश ने पहली बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार को अधिक वोट देकर के फिर से बिठाया। ये भी हिंदुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। तब भी जो हमारे सामने थे वो पूरी ताकत से सामने थे, हर डगर पर ये जो टोली है वो कभी हमारे साथ रही नहीं है, फिर आगे साथ रहेगी, आशा में समय बर्बाद करने की जरूरत क्या है। हमारे लिए और सक्रियता की आवश्यकता है, जन जन तक पहुंचने की आवश्यकता है। और जब बात करते हैं लोगों से तो पता चलता है कि आज भी झूठ उनके कान पे पड़ा होता है, भ्रम उन तक पहुंचा होता है,
लेकिन आज भी विश्वास को डिगा नहीं पाए हैं। ये विश्वास के भरोसे मैं देख रहा हूं आजकल देश में प्रतिदिन 10 से 15 इतने बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारे वरिष्ठ नेता वहां जाते हैं, 50,000 लाख कॉमन है, लेकिन आपको कहीं नजर नहीं आएगा। तो ये खेल चलता रहेगा, हम भी चलते रहेंगे।